स्वीडन में जानबूझकर कुरान जलाने की घटनाओं पर सऊदी अरब ने भारी नाराजगी जताई है। सोमवार की सुबह सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है, विदेश मंत्रालय पवित्र कुरान और मुसलमानों के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी और इसके उकसावे के लिए सऊदी अरब की निंदा को दर्ज करा रहा है। इस बयान में आगे कहा गया है, सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता, सह अस्तित्व फैलाने के पुख्ता प्रयासों के महत्व पर जोर देता है, साथ ही नफरत, चरमपंथ और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुर्व्यवहार को त्यागने का समर्थन करता है। स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी और आप्रवासी विरोधी समूहों द्वारा मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान को जलाने की घटना के बाद कई शहरों में चौथे दिन भी झड़पें हुई हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पूर्वी शहर नोरशेपिंग में रविवार को भी लगातार दंगे हुए, जिनमें पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाई, जिनमें 3 लोग घायल हो गए। कई वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कम से कम 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शनिवार को दक्षिणी शहर मालमा में धूर दक्षिणपंथी रैली के दौरान हुई हिंसा में कई वाहनों समेत एक बस को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे पहले ईरान और इराक सरकार ने भी अपने यहाँ मौजूद राजनयिकों को कुरान जलाने के बाद हुए प्रदर्शन को लेकर तलब किया था। हार्डलाइन आंदोलन के प्रमुख और डेनिश स्वीडिश चरमपंथी रस्मुस पालुदान ने कहा है कि उन्होंने इस्लाम के सबसे पवित्र मूल पाठ को जलाया है और वो अपने इस काम को दोहराएंगे। धूर दक्षिणपंथी समूह ने जहाँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित किए हैं वहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को झड़पें हुई हैं, जिनमें कम से कम 16 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और कई पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्टॉकहोम के उपनगरों और लिनशेपिंग और नोरशेपिंग जैसे शहरों में ये घटनाएं हुई हैं। डॉचे वेले ने रिपोर्ट किया है कि रविवार को पालुदान ने नोरशेपिंग में एक अन्य रैली में चेतावनी दी थी, जिसके बाद इसके विरोध में प्रदर्शन करने लोग जमा हो गए। स्थानीय पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हमले की जद में आने के बाद उन्होंने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और 3 लोग इस दौरान घायल हुए। स्वीडन के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख एंडर्स टूनबेरी ने एक बयान में शनिवार को कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अफसरों की जान की अनदेखी की। उन्होंने कहा, हमने इससे पहले भी हिंसक दंगे देखे हैं, लेकिन ये कुछ और ही था। स्वीडन में हार्डलाइन आंदोलन के कुरान जलाने की घटनाओं के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हिंसक हुए हैं। साल 2020 में मालमा में प्रदर्शनकारियों ने कारों में आग लगा दी थी और कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। डेनमार्क में नस्लवाद समेत कई अपराधों के कारण पालुदान को 2020 में 1 महीने के लिए जेल हुई थी। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में भी इसी तरह से कुरान जलाने की कोशिशें की थी।